Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिसपे संवाद करने हम लोग जा रहे हैं इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि और इसमें पंद्रह लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और विभिन्न पंद्रह विषयों पे हम लोगों ने बहुत ही बृहद बात की है तो ये जो विषय है सोरावा विषय है तो ये सोरावा विषय क्या है इसमें क्या क्या है? हम लोगों को डिस्कस करना है इसके पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको बता दूँ मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मेरा बारह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैं न्यायिक अधिकारी भी था न्याय आसाम में तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपके साथ तो ये जो विषय है जिसपे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये विषय है हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि अब ध्यान दें आप सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि है क्या मैं आपको बताऊं विषय के बारे में थोड़ा सा इसके बाद सीधे हम सोरावे लेक्चर पे आएंगे सिविल प्रक्रिया संहिता ऐसा प्रक्रिया है जो सिविल राइट के संरक्षण की बात करती है अगर आपका सिविल राइट प्रभावित हो गया आपके सिविल अधिकारों का हनन कर दिया किसी ने तो आप इसको संरक्षित करने के लिए न्यायालय में कैसे जा सकते हैं क्या प्रोसीजर है तो वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं और विभिन्न विभिन्न प्र, प्र, प्रकार के मुकदमे को विभिन्न विभिन्न तरीके से भी आप दाखिल कर सकते हैं एक तो साधारण प्रक्रिया उसमें है और कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं भी हैं कि विशेष मामले में विशेष मुकदमा हो सकता है तो वो भी बताया गया है तो सिविल प्रक्रिया संहिता इसी की बात करती है और पूरा नाम है इसका सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि परिसीमा विधि यह है कि एक लिमिटेड टाइम के दौरान ही आपको मुकदमा दाखिल करना है जब आपका राइट प्रभावित हो गया मान लीजिए कि आप मुकदमा हार गए आपको अपील दाखिल करना है तो अपील ऐसा नहीं है सौ साल बाद आप अपील करेंगे उसके लिए एक लिमिट है टाइम लिमिट है क्योंकि अगर बहुत देर करेंगे तो विटनेस जो है उनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी जो एविडेंसेस हैं वो टाइम पर हो जाएंगे तो इसलिए आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जाना है तो स्टिपुलेटेड टाइम क्या है वो परिसीमा विधि में बताया गया है तो सिविल प्रक्रिया संगीतदा परिसीमा विधि यही विषय है अब हम लोग आते हैं लेक्चर नंबर सोलह पे अगर आप स्लाइड पे देखें तो इसका टाइटल लिखा हुआ है लेक्चर नंबर सोलह का लेक्चर नंबर सोलह का निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद इंडिजेंट पर्सन बोलते हैं इसको सूट बाय इंडिजेंट पर्सन ध्यान दीजिए सूट बाय इंडिजेंट पर्सन सूट बाय इंडिजेंट पर्सन ध्यान दीजिए निर्धन व्यक्तियों के द्वारा बात यह है आर्डर थर्टी थ्री आर्डर थर्टी थ्री सूट बाय इंडिजेंट पर्सन गरीब व्यक्ति के द्वारा बात अब ध्यान दीजिए कोई आदमी गरीब है तो उसको भी तो मुकदमा दाखिल करने का अधिकार है क्योंकि मान लीजिए उसका राइट तो किसी का भी प्रभावित हो सकता है तो निर्धन बंदा है तो उसका भी राइट प्रभावित हो सकता है तो उसका जब राइट प्रभावित होगा तो मुकदमा दाखिल करेगा अब क्वेश्चन है कि वो मुकदमा कैसे दाखिल करेगा क्या प्रोसीजर है तो वो सारा प्रोसीजर आर्डर थर्टी थ्री में बताया गया है निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद अब सी पी सी एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्धनता को आड़े नहीं आने देती ऐसा नहीं है कि वो निर्धन है इसलिए वो मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता वो पैसा नहीं है इसलिए पैसा के अभाव में उसका राइट प्रभावित हो जाएगा और वो अपने अधिकारों को संरक्षित नहीं करा पाएगा ऐसी बात नहीं है तो इस मिथक को सीपीसी इग्नोर करती है कहती है नहीं पैसे के अभाव से किसी का राइट इंप्लीमेंट ना हो ऐसी बात नहीं है तो निर्धन व्यक्ति भी अपने राइट को इम्प्लीमेंट करा सकता है तो एक तरीके से आप देखेंगे तो यह संवैधानिक उद्घोषणाओं का एक तरीके से प्रवर्तन है सीपीसी के द्वारा क्योंकि संविधान में उद्घोषित किया गया है सबको न्याय मिलेगा तो हर तरीके का न्याय मिलेगा तो सबको जब न्याय मिलेगा तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा उसके लिए प्रक्रिया होनी चाहिए आपके पास उसके लिए कानून होना चाहिए तो निर्धन व्यक्ति भी अगर मुकदमा दाखिल करना चाह रहा है तो

लोग इसको देखेंगे तो सबसे पहले आप आइए रूल वन एक प्रक्रिया नियम एक से से लेकर तक ये पूरा प्रोसीजर बताया गया है। देखिए तो हम लोग रूल एक से रूल एक। रूल शुरू करते हैं। में क्या है? रूल एक में लिखा हुआ है कि निर्धन व्यक्ति भी वाद ला सकता है तो आप मुकदमा नहीं लाएंगे ऐसी बात नहीं है गरीब हैं इसलिए मुकदमा नहीं लाएंगे ऐसी बात नहीं है आपके पास कोर्ट फीस जमा करने की क्षमता नहीं है इसलिए मुकदमा आपको नहीं लाने दिया जाएगा ऐसी बात नहीं है इसलिए आर्टर थर्टी थ्री का बहुत पहला रूल कहता है सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बाई इंडिजेंट पर्सन निर्धन व्यक्ति भी मुकदमा दाखिल कर सकता है अगर वह इंटरेस्टेड है तब अगर वह नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं लेकिन वह इंटरेस्टेड है तो केवल इस आधार पर कोई निर्धन है मुकदमा दाखिल करने से उसको मना नहीं किया जाएगा तो सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बाई दी इंडिजेंट पर्सन अब क्वेश्चन यह है कि इंडिजेंट पर्सन कौन है उसके लिए टेस्ट क्या है तो इसमें रूल एक में आप देखेंगे तो रूल एक में तीन एक्सप्लेनेशन हैं तीन व्याख्या है व्याख्या नंबर वन व्याख्या नंबर दो और व्याख्या नंबर तीन एक्सप्लेनेशन वन टू थ्री इन तीनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आप दिस आर्डर, आर्डर थर्टी थ्री के लिए गरीब कौन है निर्धन कौन है ये हमको अभी पता चलेगा और ये जो निर्धन है ये मुकदमा ला सकता है ये रूल वन में लिखा हुआ है अब कौन गरीब है ध्यान दीजिए अब इसके लिए हमारे पास है एक्सप्लेनेशन वन एक्सप्लेनेशन वन बोलता है कि वो बंदा जो कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम नहीं है ध्यान दीजिए जिस मुकदमे को दाखिल करना जा रहा है उस मुकदमे में प्रिस्क्राइब्ड जो कोर्ट फीस है उस कोर्ट फीस के अमाउंट को जमा करने में वो सक्षम नहीं है तो वो निर्धन बंदा है ध्यान दीजिए तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम कौन नहीं है तो सभी लोग सक्षम नहीं है किसी को नहीं पड़ी है कि हम कोर्ट फीस जमा करें कोर्ट में सभी लोग कहेंगे हम निर्धन है और हमारी फीस को माफ़ कर दिया जाए तो इसलिए इसमें एक बात है कि कौन निर्धन है तो इसमें इतनी बात बताई गई है कि वह बंदा जो उस मुकदमे में जिसको दाखिल करना जा रहा है उसके अमाउंट उसके लिए जो कोर्ट फीस निर्धारित है उस कोर्ट फीस को जमा करने में वो सक्षम नहीं है तो उसको हम निर्धन मानेंगे एक्सप्लेनेशन वन और इसमें एक और बात है धारा साठ धारा साठ को ध्यान में रखना है सीपीसी के सीपीसी का धारा साठ धारा साठ क्या बोलता है जब आप उसके इस सक्षमता को निर्धारित करेंगे कि वह कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम है कि नहीं है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वह प्रॉपर्टी जो धारा साठ में अटैचमेंट से एग्जेमटेड है धारा साठ आप देखेंगे धारा साठ में एक चीज लिखा हुआ है कि कौन प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका अटैचमेंट नहीं होगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और कौन प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका अटैचमेंट होगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री दो लिस्ट है उसमें कि दीज प्रॉपर्टीज आर टू बी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सिविल कोर्ट और दूसरा लिखा है प्रोवाइडेड दैट दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट रिक्वायर टू बी अटैच इन डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट तो दो लिस्ट है एक प्रॉपर्टी है जिनका अटैचमेंट होगा दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका अटैचमेंट नहीं होगा तो धारा साठ में जिन जिन प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया है उन प्रॉपर्टी को इसके निर्धरता को डिसाइड करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा जैसे मान लीजिए धारा में मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं धारा में लिखा हुआ है नेसेसरी वियरिंग अपेरल ध्यान दीजिए नेसेसरी वियरिंग अपेरल वो कपड़े जो नेसेसरी पहनने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं उनका अटैचमेंट नहीं होगा ऑर्नामेंट्स पर्सनल ऑर्नामेंट्स किसी लेडी का जो उसको रिचुअल और रीति के हिसाब से उससे अलग नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए मंगल सूत्र है जैसे मान लीजिए उसके पास रिंग है जो उसको रिंग सेरेमनी में मिली थी इस तरीके के जो आर्नामेंट्स हैं आभूषण हैं इनका भी अटैचमेंट नहीं होता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस उसी तरीके से अगर वह किसान है तो उसके कैटल्स उसके सीड ग्रेन्स उसके इंप्लीमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हस्बेंड्री ये सब उसका अटैच नहीं होगा अगर वह कलाकार है आर्टिसियन है तो उसका टूल्स ऑफ आर्टिसियन ये सब अटैच नहीं होंगे चाहे वो बहुत ही मांगे हो सकते हैं वो लाखों लाख के हो सकते हैं लेकिन इनका अटैचमेंट नहीं होगा तो क्वेश्चन ये है कि जब एक्सप्लेनेशन वन रूल वन ऑफ आर्डर थर्टी थ्री पे आप आएंगे तो आपको जब ये निर्धारित करना है कि भाई वह कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम है कि नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन प्रॉपर्टी को इसकी क्षमता के अंदर नहीं ले आना है जो धारा साठ में अटैचमेंट से एग्जेप्टेड है उन प्रॉपर्टी को यहाँ भी एग्जेप्ट कर दिया जाएगा और तब इसकी सक्षमता को ध्यान में रखा जाएगा कि उन प्रॉपर्टी को हटाने के बाद क्या अब यह सक्षम है कि नहीं है अपना कोर्ट फीस जमा करने के लिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है तो एक्सप्लेनेशन वन यही बोल रहा है कि वह कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम नहीं है लेकिन उसकी इस सक्षमता को निर्धारित करने में धारा साठ में जो प्रॉपर्टी एग्जेप्ट कर दी गई हैं उन प्रॉपर्टी को यहाँ भी एग्जेम्ट कर दिया जाएगा और तब उसके सक्षमता को ध्यान में रखा जाएगा और तब अगर वह सक्षम है तो फिर निर्धन नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी को हटाने के बाद फिर भी वह सक्षम नहीं है तो फिर वह निर्धन व्यक्ति है तो एक्सप्लेनेशन वन दूसरा एक्सप्लेनेशन आई है इसमें रूल वन में एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेनेशन टू बोल रहा है कि इसको सूट फाइल करने के बाद सूट के बाद और डिक्री के पहले जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे वो एक्वायर करेगा ध्यान दीजिए ये प्रॉपर्टी वो एक्वायर करता है लेकिन सूट के बाद और डिक्री के पहले डिक्री के पहले लेकिन सूट के बाद इसको एक्वायर कब करता है सूट फाइल करने के बाद लेकिन डिक्री के पहले अगर डिक्री के बाद एक्वायर करता है तो कोई मतलब नहीं लेकिन सूट फाइल कर दिया इसके बाद उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया अभी डिक्री नहीं पास हुई है तो उसकी सक्षमता को फिर से कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि जब वो सूट फाइल किया उस समय वो कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम नहीं था लेकिन सूट फाइल करने के बाद उसने मान लीजिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर लिया तो जब जिस समय उसके पास कुछ नहीं था उस समय तो फिर कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकता था लेकिन अब उसने अभी डिक्री पास नहीं हुई इन बिटवीन उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लिया तो अब तो सक्षम आदमी हो गया तो सक्षम आदमी हो गया तो उसको कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा तो एक्सप्लेनेशन टू ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि इनकॉम्पिटेंसी फॉर एवर रहेगी इनकॉम्पिटेंसी को यह देखना है डिग्री पास होने के पहले कभी भी उसकी इनकॉम्पिटेंसी खत्म हो सकती है उसकी निर्धनता खत्म हो सकती है और धनी हो सकता है क्योंकि उसने प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया तो जिस किसी स्टेज पे वो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा वहां से वो निर्धन नहीं होगा और वहां से उसकी सारी लाइबिलिटी को उसको फुलफिल करना पड़ेगा डिग्री पास होने के पहले कभी भी ठीक है तो एक्सप्लेनेशन टू हाँ तो अब एक्सप्लेनेशन थर्ड पे आइए एक्सप्लेनेशन थर्ड एक्सप्लेनेशन थर्ड क्या बोल रहा है एक्सप्रेस थर्ड बोल रहा है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आपने सूट फाइल किया है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जैसे मान लीजिए माइनर जो है उसका सूट कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है तो उस रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी माइनर के परिप्रेक्ष्य में कैलकुलेट करी जाएगी वो रिप्रेजेंटेटिव की अपनी कैपेसिटी नहीं रिप्रेजेंटेटिव चूंकि माइनर का रिप्रेजेंटेटिव है तो उस रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी माइनर के परिप्रेक्ष्य में कैलकुलेट करी जाएगी और अकॉर्डिंगली उसकी सक्षमता को देखा जाएगा तो जब भी हम निर्धन व्यक्ति की बात करते हैं कौन निर्धन है मुकदमा दाखिल कर क्योंकि निर्धनता अगर आपकी डिसाइड हो गई तो आपको तमाम एग्जेम्सन मिल जाएंगे आपको कोर्ट फीस नहीं जमा करना है आपको एडवोकेट मुहैया करे जाएंगे तो ये राज्य के ऊपर खर्चा बढ़ेगा क्योंकि आप निर्धन है और इसलिए आपका पूरा खर्चा कौन वहन करेगा राज्य वहन करेगा तो इसमें राज्य इस बात का ध्यान रखता है कि जिस कैपेसिटी में आप आए हैं तो क्या आप निर्धन हैं कि नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं राधर निर्धन व्यक्ति को ध्यान में रखना है तो अगर निर्धन आप हैं तो आपको कुछ भी पैसा नहीं जमा करना है आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं लेकिन अभी रूल एक में हम लोगों ने केवल इतना ही समझा कि निर्धन व्यक्ति सूट तो फाइल कर सकता है लेकिन निर्धन है कौन तो इसके लिए तीन एक्सप्लेनेशन हम लोग ने देखा एक्सप्लेनेशन वन बोलता है जब वो कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम नहीं है एक्सप्लेनेशन टू बोलता है जब वह प्रॉपर्टी एक्वायर कर सक करता है सूट फाइल होने के बाद लेकिन डिक्री के पहले तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और एक्सपेन्स तीन बोलता है रिप्रेजेंटेटिव तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी जो आएगा तो निर्धन के परिप्रेक्ष्य में उसकी निर्धनता कैलकुलेट करी जाएगी तो यह रूल वन कौन निर्धन है अब आइए आप रूल वन कैपिटल ए अगले रूल पे आइए रूल वन ए रूल वन ए क्या बोल रहा है रूल वन ए बोल रहा है इंक्वायरी करी जाएगी इनकी निर्धनता का इंक्वायरी इंक्वायरी चूंकि इन्होंने एप्लीकेशन दिया है और एप्लीकेशन दे क्या बोल रहे हैं ये कर रहे हैं हम निर्धन हैं और इसलिए हमको इस आर्डर का फायदा मिले आर्डर थर्टी थ्री का फायदा मिले हमको कोर्ट फीस से मुक्ति मिल जाए ये सारी बातें क्लेम कर रहे हैं जब ये बात आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप सही में निर्धन हैं तो इसके लिए कोर्ट क्या करती है कोर्ट की इंक्वायरी सेटअप करती है और इंक्वायरी सेटअप करके जो भी आप अपनी अपलीकेशन में लिखे हैं क्योंकि अपलीकेशन जब आप देंगे ना तो उसमें डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर्टी आप अपनी देंगे कि आपके पास कौन प्रॉपर्टी है कौन प्रॉपर्टी नहीं है तो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आपकी निर्धनता डिसाइड की जाएगी तो क्वेश्चन ये है कि आपने जो अप्प्लीकेशन दिया हुआ है उस अप्लीकेशन की इंक्वायरी करी जाएगी इंक्वायरी किससे कोर्ट चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी कराएगा चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर माने कोई चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर अधिकारी से इसकी इंक्वायरी कराएगा कि जो ये एप्लीकेशन में लिख रहे हैं ये सही बात है कि सही बात नहीं है अगर ये जो अप्लीकेशन में लिख रहे हैं ये सही बात है तब तो ठीक है निर्धन आदमी है तब तो ये आर्डर का पूरा फायदा इनको मिलेगा लेकिन अगर चीफ मिनिस्ट्रियल से इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो निर्धन आदमी है ही नहीं तो इनको फिर नॉर्मल सूट फाइल करना पड़ेगा इनका निर्धन सूट नहीं चलेगा इसलिए रूल वन में ये व्यवस्था है कि कोर्ट चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर से पहले इनके स्टेटस की इंक्वायरी कराए और कोर्ट जब सटिस्फाई हो जाएगी सही बात है निर्धन आदमी है तो मुकदमे को आगे बढ़ा दे लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि नहीं नहीं ये तो निर्धन है ही नहीं तो फिर मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाएगी तो ये था रूल वन ए। अब नेक्स्ट रूल पे आइए रूल टू रूल टू ध्यान दीजिए रूल टू क्या है कंटेंट ऑफ अप्लीकेशन जब यह अप्लीकेशन देंगे कंटेंट्स ऑफ अप्लीकेशन कंटेंट्स ऑफ अप्लीकेशन जब ये अप्लीकेशन देंगे न्यायालय में कि हमको निर्धन डिक्लेयर कर दिया जाए तो कंटेंट ऑफ अप्लीकेशन में क्या रहेगा ध्यान दीजिए तो कंटेंट ऑफ अप्लीकेशन में आर्डर सेवन के पूरे पर्टिकुलर्स होंगे आर्डर सेवन सीपीसी के पूरे पर्टिकुलर्स होंगे जैसे आर्डर सेवन में प्लांट दाखिल किया जा किया जाता है वैसे ही एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया जाएगा ध्यान दीजिए तो ये साधारण आवेदन नहीं है ऐसा आप ना समझें कि ये कोई चिट्ठी है किसी को लिख के दे दिया गया हालांकि इसका नाम अप्लीकेशन है आर्डर थर्टी थ्री में लेकिन ये अप्लीकेशन होते हुए भी ये ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा ये वाद पत्र के तौर से ड्राफ्ट किया जाएगा क्योंकि कल को जैसे ही आपको परमिशन मिल जाएगी यही अप्लीकेशन पत्र हो जाएगा तो इसीलिए इसको साधारण अप्लीकेशन नहीं होगा आर्डर सेवन के सारे कंटेंट इसमें होंगे जैसे आप आर्डर सेवन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले किसका नाम होगा कोर्ट का नाम होगा इसके बाद पार्टीज का नाम होगा फला वर्सेस फला इसके बाद आ, सारे क्लेम पैरावाइज लिखे जाएंगे पहले कानून के फिर आ, फैक्ट के पहले लॉ के फिर फैक्ट के विधि और तथ्य के सारे प्रश्नगत क्वेश्चंस पैरावाइज लिखे जाएंगे और लिख करके बाद में वेरिफिकेशन होगा और साइंड किया जाएगा दोनों पार्टीज़ के द्वारा तो ऐसा तो आर्डर सेवन के तरह से एप्लीकेशन होगा आप इसको प्लांट की तरह से ड्राफ्ट करेंगे ड्राफ्ट करके इसको वेरीफाई करेंगे और साइन करेंगे और तब न्यायालय में लेके जाएंगे साइन तो करेंगे समझ में आता है वेरीफिकेशन का क्या मतलब वेरीफिकेशन का मतलब दो तरीके का वेरीफिकेशन कौन कौन पैरा आपके नॉलेज से सही है और कौन कौन पैरा नॉलेज रिसीव टू बी ट्रू बाई एक्सटर्नल मीन्स नॉलेज विच इज रिसीव्ड बाई मी टू बी ट्रू तो कुछ नॉलेज हमने रिसीव किया जैसे मान लीजिए हमारे एडवोकेट ने बताया अच्छा ये ऐसी बात होती है तो हमको पता अच्छा अच्छा ये सही है तो कुछ पहरा हमारे नॉलेज से सही है कुछ पहरा नॉलेज रिसीव टू बी ट्रू सही है ऐसे करके हम वेरीफाई करते हैं और कंटेंट एफिडेविट से सपोर्ट किया जाता है आर्डर सेवन के प्लांट में तो उसी तरीके से एप्लीकेशन जाएगा एप्लीकेशन में भी प्लेंट के तरह से कंटेंट होगा और इसमें साइन होगा हर पैरा का वेरिफिकेशन होगा और ऐसे एप्लीकेशन न्यायालय में दिया जाएगा तो ये था रूल टू कंटेंट्स ऑफ अप्लीकेशन इसके बाद आइए रूल थ्री रूल थ्री क्या बोल रहा है रूल थ्री बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अप्लीकेशन ध्यान दीजिए प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन को प्रेजेंट कौन करेगा कोर्ट में तो दो बातें हैं पहली बात ये है कि एप्लीकेशन को प्रेजेंट करेंगे आप खुद पहली बात है प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द इंडिजेंट पर्सन इन पर्सन तो ये जो इंडिजेंट पर्सन है जब एप्लीकेशन अपना लेके जाएगा तो यह पर्सनली एप्लीकेशन लेके जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में खुद लेके जाएगा जब तक कि इसका पर्सनल अपियरेंस एग्जेम्प्ट नहीं कर दिया गया है अगर इसका पर्सनल अपियरेंस एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कानून के द्वारा तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर इसका पर्सनल अपियरेंस एग्जेप्ट नहीं किया गया है तब यह अप्लीकेशन इन पर्सन लेके जाएगा कोर्ट में खुद लेके जाएगा तो कहीं कहीं पर्सनल अपियरेंस कोर्ट एग्जेम्ट भी कर देती है कि चलिए भाई आपको पर्सनली नहीं आना है आप एडवोकेट के थ्रू आ सकते हैं तो वहाँ तो एडवोकेट के थ्रू चला जाएगा लेकिन अगर पर्सनल अपियरेंस इसका एग्जेप्ट नहीं किया गया है तब यह खुद अप्लीकेशन लेके जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में तो इसमें बात है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अपलीकेशन कैसे होगा अब जैसे मान लीजिए प्लेंटिव पांच हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पांचों प्लेंटिव अगर पर्सनल अपियरेंस का एग्जम नहीं किया गया है, तो हर डेट पर पांचों प्लेंटिव जाएंगे कोई जरूरी नहीं है तो आउट ऑफ फाइव अगर एक भी चला जाता है तब भी मान लिया जाएगा कि इन पर्सन स्टेप लिया गया है तो प्रेजेंटेशन ऑफ अपलीकेशन के लिए इन पर्सन का मतलब प्लेंटिव जाएगा जब तक उसका पर्सनल अपीयरेंस एग्जेंट नहीं किया गया है और इन पर्सन का मतलब सारे नहीं सारे में से कोई एक तो ये बताया गया है आपके रूल थ्री में प्रेजेंटेशन ऑफ अपलीकेशन इधर पर्सन और थ्रो रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसे जा सकता है रूल थ्री अब आ गया ये रूल फोर रूल फोर में क्या है देखिए रूल फोर बोल रहा है एग्जामिनेशन ऑफ अप्लीकेट्स एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन अब जब आ रहे हैं आप अप्लीकेशन लेके इन पर्सन आ रहे हैं चाहे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आ रहे हैं कैसे भी अगर आप आ रहे हैं तो अप्लीकेशन में जो बात आप बोल रहे हैं वो बात सही है कि गलत है इसके लिए क्या होगा आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा कोर्ट एग्जामिन करती है एग्जामिन करके कोर्ट अपने आप को सेटिफाई करती है कि व्हाट्स यू आर स्टेटिंग इन दिस एप्लीकेशन इज ट्रू और फॉल्स तो अकॉर्डिंगली कोर्ट प्रोसीड करती है तो कोर्ट आपको एग्जामिन कर सकते हैं एग्जामिनेशन का मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आपको निगाह जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन का मतलब चीफ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन तो वही एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है जिसके आधार पर सत्य का पता लगाया जाता है तो अप्लीकेशन के कंटेंट के ट्रूथनेथ को जानने के लिए न्यायालय ऐसे प्रोसीड करती है और सत्य का पता लगाती है तो ये है आपका रूल चार अब रूल 5 पे आइए रूल 5 क्या बोल रहा है रूल 5 बोल रहा है कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है रिजेक्शन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन कब रिजेक्ट हो जाएगा ध्यान दीजिए एप्लीकेशन कब रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है लेकिन रिजेक्ट होने के कुछ ग्राउंड है कौन-कौन ग्राउंड है जिस इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा देर आर मेनी ग्राउंडस तो एक एक करके हम लोग देखते हैं किस किस ग्राउंड पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा कौन एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन अपने आप को निर्धन डिक्लेयर कराने के लिए न्यायालय में लेके गया है वही एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन इन आधार पे रिजेक्ट हो जाएगा जैसे पॉइंट नंबर वन पहला आधार क्या है रूल टू और रूल थ्री का कंप्लायंस नहीं हुआ है ध्यान दीजिए रूल टू और रूल थ्री का कंप्लायंस नहीं हुआ है रूल टू एंड रूल थ्री रूल टू क्या था कंटेंट ऑफ अप्लीकेशन और रूल थ्री क्या था प्रेजेंटेशन ऑफ अप्लीकेशन तो रूल टू में हम लोगों ने देखा कंटेंट ऑफ अप्लीकेशन अप्लीकेशन के कंटेंट में क्या होगा प्लेंट होगा जैसे प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही वही कंटेंट अप्लीकेशन का होगा तो आपको अप्लीकेशन वैसे ही लेके जाना था अगर आप वैसे लेके नहीं गए हैं कंटेंट अप्लीकेशन का एज पर दी प्रोसीजर गिवन अंडर आर्डर सेवन नहीं है तो आपका अप्लीकेशन लाइबल टू बी रिजेक्टेड रिजेक्ट कर दिया जाएगा और दूसरा रूल थ्री है रूल थ्री में था एप्लीकेशन इन पर्सन जाएगा जब तक आपका पर्सनल अपियरेंस एग्जेप्ट नहीं कर दिया गया तो पर्सनल अपियरेंस एक्जेंट नहीं है तो एप्लीकेशन इन पर्सन लेके जाएंगे अगर इन पर्सन नहीं लेके जाते हैं फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो ये पहला ग्राउंड है रूल टू और रूल थ्री का कंप्लायंस नहीं करा आपने तो योर एप्लीकेशन इज लेवल टू बी रिजेक्टेड रूल टू का मतलब कंटेंट प्लेंट की तरह से नहीं है रूल थ्री का मतलब इन पर्सन आप लेके नहीं गए तो ये रूल टू और थ्री है दूसरा ग्राउंड क्या है जिसमें आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा दूसरा ग्राउंड है आप इंडिजेंट पर्सन नहीं है ध्यान दीजिए इंडिजेंट पर्सन अप्लीकेशन देखने के बाद कोर्ट को महसूस होता है कि यह बंदा जो इंडिजेंट का करके अपने के लिए अपलीकेशन लेके आ रहा है यह बंदा तो इंडिजेंट है ही नहीं तो जब यह बंदा इंडिजेंट नहीं है तो फिर इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि एप्लीकेशन किसका आएगा कोर्ट में आर्डर थर्टी थ्री के तहत केवल उसी आदमी का आएगा जो इंडिजेंट है तो जब आप इंडिजेंट ही नहीं है तो आपका सूट इज लेबल टू बी एप्लीकेशन इज लेबल टू बी रिजेक्टेड तो यह दूसरी आधार है जिसमें आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तीसरा थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि जब आपके एप्लीकेशन में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है ध्यान दीजिए कॉज ऑफ एक्शन बड़ी साधारण भाषा में आपको बताऊं कॉज ऑफ एक्शन बंडल ऑफ फैक्ट्स है जो प्रूफ कर देगा प्लेंटिव अपने बंडल ऑफ फैक्ट्स को अगर प्रूफ कर देगा तो मुकदमा जीत जाएगा या डिफेंडेंट अपने अगर बंडल ऑफ प्रूफ को फाइट कर देगा तो मुकदमा जीत जाएगा तो काज जा ऑफ एक्शन कुछ भी नहीं है दे आर दंडल ऑफ फैक्ट विच इफ प्रूव बाई द्लैंडिव और प्रूव बाय द डिफेंडेंट है केस में भी दे विल विन मेटर ठीक है ना तो काज अ बंडल ऑफ फैक्ट

आवेदन देने के दो महीना पहले अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है आपके पास प्रॉपर्टी थी लेकिन दो महीना पहले दो महीना या उससे कम दो महीने ज्यादा नहीं होना चाहिए दो महीना मैक्सिमम दो महीना तक आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं और तब आप इंडिजेंट हो गए हैं तो फिर आप इंडिजेंट नहीं माने जाएंगे आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने अपने अपने अपनी प्रॉपर्टी इसीलिए डिस्पोज ऑफ किया था कि पहले मैं डिस्पोज ऑफ कर लूं मैं निर्धन हो जाऊं इसके बाद मैं सूट फाइल करूं जिसमें मुझे फीस नहीं जमा करना पड़ेगा तो दो महीने तक कोर्ट ध्यान में रखती है दो महीना उससे पहले लेकिन दो महीने के भी पहले तीन महीना चार महीना पहले आपने डिस्पोज ऑफ आप किया है फिर उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपके पास ऐसी आवश्यकता होगी आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया तो आखिर बहुत लंबे समय तक कोर्ट न्यायालय नहीं देखती इस चीज़ को लेकिन कुछ हद तक कुछ दूर तक देखती है कि भाई अभी आपने डिस्पोज आप किया और तुरंत आप निर्धन डिक्लेयर कराने के लिए आ गए इसका मतलब आपने इसीलिए डिस्पोज आप किया था क्योंकि आप अपने आप को निर्धन डिक्लेयर करा सके तो ये एक इसमें ग्राउंड है कि टू मंथ बिफोर अगर आपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और तब आप अप्लीकेशन लेके आते हैं तो आपका अप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है तो ये चौथा ग्राउंड अब पांचवें पे आइए पॉइंट नंबर पांच पॉइंट नंबर पांच क्या बोल रहा है कि कलूसिव सूट ध्यान दीजिए कलूसिव सूट कोर्ट को लग रहा है कि ये जो निर्धन व्यक्ति जो अप्लीकेशन लेके आ रहा है अप्लीकेशन निर्धन व्यक्ति जेनुइन रीजन नहीं है रादर ये किसी से कलूजन में है किसी से इसका मिथ्या एग्रीमेंट है मिथ्या करार है और उस करार के आधार पे ये लेके आ रहा है ताकि इसका फायदा कोई और लेगा अगर ऐसी बात है तो फिर आपका अप्लीकेशन लाइव टू तो बी रिजेक्टेड है पॉइंट नंबर सिक्स बार्ड बाई लॉ ध्यान दीजिए बार्ड बाई लॉ

तुम्हारा तो पैसा नहीं लगेगा और आगे बैकिंग में हम तुम्हारे काम करेंगे और जो प्रॉपर्टी लेना है उसमें से आधा आधा हम लोग ले लेंगे इस तरीके की कोई बात है तो मेंटेनेंस ऑफ द सूट मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिक्लेयर कर दिया गया है नल एंड वाइड तो अगर इस तरीके की कोई बात है तो कोर्ट आपकी अप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी तो ये सारे ग्राउंड हैं आप देख रहे हैं रूल फाइव में एक दो तीन चार पाँच छः सात इनमें से अगर कोई भी ग्राउंड उपलब्ध है तो निर्धन व्यक्ति का अप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो ये था रिजेक्शन ऑफ अप्लीकेशन रूल पाँच अब आगे आप बढ़ें रूल छ से लेके आठ तक रूल सिक्स टू एट सिक्स टू एट जनरल प्रोसीजर की बात करता है जनरल प्रोसीजर जिसमें हियरिंग है नोटिस है एटसेट्रा एटसेट्रा तो ये सब बात करता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हियरिंग भी दी जाएगी बीच में नोटिस भी दी जाएगी और कोर्ट इंक्वायरी इनटू करेगी मैटर को कोर्ट एग्जामिन करेगी पार्टीज को और करके कोर्ट बीच बीच में सेटिस्फाई होगी तो रूल छह से आठ तक साधारण प्रक्रिया है नौ रूल नौ में आइए रूल नौ क्या बात बात कर रहा है रूल नौ करा है विदड्रॉल परमिशन टू सू एजेंट पर्सन आपको विदड्रॉ कर लिया जाएगा आपका परमिशन आप हालांकि आपको परमिशन ग्रांट कर दिया गया था आपको परमिशन ग्रांट कर दिया गया था और आपका एप्लीकेशन चल पड़ा था निर्धन व्यक्ति के रूप में लेकिन आपके इस परमिशन को वापस ले लिया जाएगा कब जब इनमें से दो दोनों में से कोई एक कंडीशन हो जाती है तब पहला कंडीशन जब आपने जो मुकदमा दाखिल किया है वो वैक्सीसियस या इमप्रॉपर है या दूसरा जब आप इंडिजेंट पर्सन के रूप में कंटिन्यू नहीं हो सकते वैक्सीसियस और इमप्रॉपर और दूसरा है कि आपको इंडिजेंट के रूप में इंडिजेंट के रूप में आप कंटिन्यू नहीं करे जा सकते यू आर नॉट टू बी परमिटेड टू इंस्टीट्यूट योर सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन आपको इंडिजेंट पर्सन के रूप में आपको आगे कंटिन्यू करने का परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि आप इंडिजेंट नहीं है तो कहने का मतलब आपको अगर अप्लीकेशन ग्रांट भी कर दिया गया कि आप इंडिजेंट आदमी हैं और आप मुकदमा दाखिल करें तो ऐसा नहीं है केवल परमिशन ग्रांट करने से आपको कोई राइट right मिल जाता है और उस राइट को लेकर के आप उसको स्वार्ड की तरह से यूज करेंगे नहीं ये आपको ग्रांट ग्रांट भी कर दिया गया तो सील्ड है स्वार्ड नहीं है और इसलिए आपको इसको सील्ड की तरह से अपनी सुरक्षा के रूप में इसको ले चलना है क्योंकि बाद में ग्रांट होने के बाद भी वापस हो सकता है वापस दो आधार पर हो जाएगा जब आपका एप्लीकेशन वैक्सीस है या आप 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 इमप्रॉपर कंडक्ट के दोषी हैं तब या दूसरा कह रहा है कि आपको निर्धन के रूप में कंटिन्यू न करने दिया जाए क्योंकि अब आप निर्धन व्यक्ति नहीं रहे अब आप धनवान व्यक्ति हो गए अब आपके पास पैसा हो गया आप प्रॉपर्टी रिसीव कर लिए तो आपको अब निर्धन के रूप में नहीं आगे परमिट किया जाएगा तो इन दोनों दशाओं में आपके एप्लीकेशन को कोर्ट वापस ले लेगी वे हो जाएगा इसमें तो ये था रूल नाइन तो ये जो स्लाइड हम लोगों ने देखा इसमें पूरे प्रोसीजर की बात थी रूल एक से रूल नौ तक तो ये पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने देखा रूल एक से रूल नौ तक ये आर्डर कैसे चलता है अब आगे आइए आगे देखिए क्या आए नेक्स्ट स्लाइड पर निर्धन व्यक्ति का सफल होना रूल दस बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है निर्धन व्यक्ति अगर सफल हो जाता है ठीक है तो क्या होगा रूल टेन सक्सीड ठीक है ना वेन इंडिजेंट पर्सन सक्सीड सफल हो जाने पे क्या प्रक्रिया है जब निर्धन व्यक्ति सफल हो जाता है तो क्या प्रक्रिया है जब यह सफल हो जाएगा जैसे मान लीजिए हमने जब सूट फाइल किया उस समय में निर्धन व्यक्ति था कोर्ट ने हमको निर्धन डिक्लेयर भी कर दिया और निर्धनता के आधार पर हमने सूट में कंटिन्यू भी कर लिया सूट में कंटिन्यू करते करते हम मुकदमा जीत गए सफल हो गए और मुकदमा जीतने के बाद मान लीजिए जो प्रॉपर्टी थी जिसके लिए मैं मुकदमा लड़ रहा था ये प्रॉपर्टी सफल हो गया मेरे पास आ गई क्योंकि डिक्री पास हो गई मेरे फेवर में तो मैं सफल हो गया जब सफल हो गया तो ये प्रॉपर्टी हमको मिल गई जब प्रॉपर्टी मिल गई तो क्या अभी भी मैं निर्धन हूं अब नहीं हूं ना निर्धन क्योंकि जब मेरा एप्लीकेशन गया था उस समय मैं निर्धन था लेकिन जब मैं सफल हो गया सफल होने के बाद नाव आई हैव एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी विच हैज बिन डिक्रीड इन माई फेवर क्योंकि हमारे फेवर में कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई तो अब मैं अब मैं निर्धन कहाँ रहा अब तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई ना तो जैसे ही आप सफल हो जाएंगे जितना भी एक्सपेंस था स्टेट का जो स्टेट ने आपसे नहीं लिया था इस आधार पे कि आप निर्धन व्यक्ति थे इसीलिए नहीं लिया था अब वो सारे एक्सपेंडिचर आपको स्टेट को लौटाना पड़ेगा सारे तो आप स्टेट को अब जमा करिए सारी चीज क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी आ गई तो ये जो रूल दस बोल रहा है ना रूल टेन ये करा है जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको सारे एक्सपेंसेस जो अभी तक आपको एक्सक्यूज कर दिए गए थे वो सारे आपको जमा करने पड़ेंगे और ये सारे जो जो एक्सपेंसेस हैं ये डिक्रीट प्रॉपर्टी पे चार्ज होंगे ध्यान दीजिए चार्ज दे आर द फर्स्ट चार्ज फर्स्ट चार्ज ओवर द डिक्रीट प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए डिक्रीट प्रॉपर्टी पे पहला चार्ज होगा माने डिक्रीट प्रॉपर्टी से जो भी कोई बेनिफिट होगी वो बेनिफिट पहले किसके किसके रियलाइजेशन के लिए जाएगी रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग ड बाई द गवर्नमेंट, विच वॉज इनकोड विद स्टेट एंड नॉट बाई यू. तो आप उसके लिए सारा पॉले उसको जमा करेंगे फर्स्ट चार्ज होगा ठीक है तो सक्सीड होने में ये बात है माने आप सफल हो जाएंगे तो आपको सब कुछ लौटाना पड़ेगा रूल ग्यारह ग्यार क्या बोलता है रूल ग्यारह बोलता है कि जब यह फेल हो जाएगा ध्यान दीजिए वेन इंडिजेंट पर्सन फेल्स तब क्या होगा फेल्स का मतलब किस आधार पर फेल हो जा रहा है ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा फेल मेरिट पे नहीं मान लीजिए मेरिट पे असफल हो जाता है मेरिट पे असफल हो जाता है मुकदमा इसके अगेंस्ट डिसाइड हो जाता है और यह लड़ते लड़ते भी मुकदमा हार जाता है लास्ट में इसकी बात यह नहीं करता है फेल्स का मतलब कुछ ग्राउंड है इसमें रूल ग्यारह में दो ग्राउंड है खास करके ग्राउंड नंबर वन इस आधार पर फेल हो जाता है या ग्राउंड नंबर टू इस आधार पर फेल हो जाता है क्या है ग्राउंड नंबर वन इसने कास्ट ऑफ समन कास्ट ऑफ और पोस्टल चार्जेज ये नहीं जमा किया है या इसका सूट डिसमिस हो जाता है डिसमिसल ध्यान दीजिए ये दो आधार हैं करें ये निर्धन व्यक्ति क्यों फेल हो गया क्योंकि इसने कास्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ समन इसने जमा नहीं किया समन का खर्चा जमा करना पड़ता है जैसे मान लीजिए मैं प्लेंटिव हूँ मैं निर्धन प्लेंटिव हूँ कोर्ट ने मुझे निर्धन डिक्लेयर भी कर दिया मैं मुकदमा दाखिल भी कर दिया मुझसे कोर्ट फीस नहीं लिया वकील हमको मुहैया करा दिया गया लेकिन जब समन जो अपोजिट पार्टी का जाएगा उस समन का खर्चा हम को जमा करना पड़ेगा ये आर्डर पाँच में लिखा हुआ है क्योंकि वो बड़ा ही मिनिमल एक्सपेंसेस हैं पोस्टल एक्सपेंसेस हैं बड़े मिनिमल क्वांटिटी के हैं तो उनको हम ही को जमा करना है चाहे हम निर्धन हैं चाहे कुछ भी हैं मान लीजिए हमने समन का खर्चा ही नहीं जमा किया पोस्टल चार्जेज ही नहीं जमा किया और इस कारण समन जो है अपोजिट पार्टी को नहीं पहुँच पाया क्योंकि समन अपोजिट पार्टी को पहुँचता तभी वो आता और तभी मामला कंटेस्ट होता और तभी यह मेरिट भी डिसाइड होता तो चूँकि हमने समन का खर्चा नहीं जमा किया चूँकि हमने पोस्टल चार्जेज नहीं जमा किया और इसलिए अपोजिट पार्टी को समन नहीं गया और मुकदमे में मैं फेल कर गया पॉइंट नंबर वन या दूसरा हमको बुलाया गया मान लीजिए मैंने निर्धन के व्यक्ति के रूप में मुकदमा दाखिल कर दिया डिफेंडेंट को समन भी हो गया डिफेंडेंट आता है और मैं मुझे बार बार बुलाया जाता है मैं नहीं जाता हूँ और सूट डिसमिस हो जाता है तो सूट इसलिए डिसमिस हो गया क्योंकि मैं नहीं जाता हूँ कोर्ट में बुलाने के बाद भी नहीं जाता हूँ और सूट डिसमिस हो जाता है तो इस आधार पर क्या होगा इस दोनों आधार पे मैं फेल कर जाऊंगा जब मैं इन दोनों आधार में से किसी आधार पे फेल करूंगा तो हमको खर्चा जमा करना पड़ेगा ध्यान दीजिए हमको फिर खर्चा जमा करना पड़ेगा क्योंकि मैं फेल क्यों हुआ हूँ इसमें गलती मेरी है हमने समन का खर्चा नहीं जमा किया हमने पोस्टल चार्जेज नहीं जमा किया या डिसमिस इसलिए हो गया क्योंकि जब मुझे बुलाया गया तो मैं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ इस आधार पर हम मैं फेल किया हूँ तो फिर भी हमको मुकदमे का सारा खर्चा जमा करना पड़ेगा तो ये रूल दस और रूल ग्यारह बड़े इंपॉर्टेंट हैं आप लोग इसको ध्यान से देखें जब वो सक्सीड सफल हो जाता है तब और जब वो असफल हो जाता है फेल हो जाता है तब इन दोनों दशाओं में उसको खर्चा जमा करना पड़ेगा तो सफल हो जाता है तब तो लॉजिक सही है कि उसके पास प्रॉपर्टी आ गई उसी प्रॉपर्टी से जमा करें अदरवाइज ये पूरा खर्चा उस प्रॉपर्टी पे फर्स्ट चार्ज होगा लेकिन फेल हो जाता है इन आधार पर कि समन का कास्ट नहीं जमा किया और पोस्टल चार्जेज नहीं जमा किया और वह डिसमिस हो गया क्योंकि बार बार उसको बुलाया गया

क्योंकि ये जो खर्चा होगा ना ये खर्चा किसका हुआ था स्टेट का खर्चा हुआ था और चूंकि जब ये जमा करेगा तो किसके फंड में जाएगा स्टेट के फंड में जाएगा तो इसलिए न्यायपालिका के कि समक्ष किसके किसको आना पड़ेगा स्टेट को आना पड़ेगा राज्य को आना पड़ेगा और राज्य अपने काउंसिल के थ्रू आकर के कहेगा कि ये सक्सीड हो गया या इस आधार पे फेल हो गया इसलिए इससे खर्चा जमा करवाया जाए तो ये राज्य इसमें पार्टी बन के आएगा तो रूल बारे यही बोल रहा है कि इसमें कोर्ट नहीं एक्टिव रोल प्ले करेगी राज्य को आना पड़ेगा एज अ पार्टी इंस्टीट्यूट सूट और तब कोर्ट इसमें एक्शन लेगी तो ये है रूल बारह अब आ जाइए रूल तेरह रूल तेरह क्या है रूल तेरह बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पार्टी होने के साथ साथ फीस के, के लिए अप्लाई करेगी कोर्ट फीस के लिए स्टेट गवर्नमेंट टू अप्लाई अप्लाई करेगी ठीक है ना तो रूल बारह और तेरह का मिला इफेक्ट है कि अप्लाई करेगी और स्टेट इस गवर्नमेंट इसमें पार्टी होगी ये बात है तो अप्लाई करना पड़ेगा रूल 12 में स्टेट को अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट फीस के लिए और रूल तेरह कह रहा है कि इसमें स्टेट एज ए पार्टी होगी क्योंकि स्टेट के ही आवेदन पे कोर्ट यहाँ पे फीस उससे रिकवर करेगी और रिकवर करके स्टेट को दिलवाएगी तो पहले तो स्टेट को अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट फीस के लिए और स्टेट को पार्टी के रूप में आना भी पड़ेगा रूल दस और ग्यारह में अगर कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस होता है तब तो ये रूल बारह बता रहा है और रूल तेरह बता रहा है अब रूल चौदह रूल चौदह कह रहा है कि अगर यह जो कोर्ट फीस है कोर्ट फीस जो निर्धारित कर दिया कोर्ट ने तो अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस कैसे रिकवर किया जाएगा तो ये कह रहा है कि कलेक्टर के थ्रू कलेक्टर के थ्रू रिकवर किया जाएगा कलेक्टर के थ्रू जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है स्टेट का रेवेन्यू जो होगी जो भी स्टेट के ऊपर पेंडिंग है तो उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है जैसे मान लीजिए कि लैंड रेवेन्यू हमारे लैंड पे है तो हमारे लैंड से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का क्या तरीका है तो इसमें बताया गया है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर जैसे आप देखते होंगे तहसील में तहसीलदार है डी है एस है तो ये रेवेन्यू कोर्ट हैं और रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं ये रेवेन्यू कलेक्ट कलेक्ट करते हैं इनकी जिम्मेदारी है तो इसी तरीके से इसमें भी चूँकि यह कोर्ट फीस का छोड़ दिया जाना किसके लिए निर्धनवादी के लिए तो ये ये रेवेन्यू का मामला है और स्टेट के ऊपर स्टेट का जो एक्सचेकर है उसके ऊपर ये बर्डन है तो इसको रिकवर करने के लिए किसको करना है कलेक्टर को करना है तो कलेक्टर जाएगा और कलेक्टर इससे रिकवर करेगा और रिकवर करके स्टेट के फंड में जमा करेगा लेकिन कैसे जाएगा कलेक्टर ये जो कलेक्टर जाएगा ये कोर्ट की डिक्री लेके जाएगा ध्यान दीजिए कोर्ट की डिक्री इसमें कोर्ट की डिक्री होगी पहले रूल दस और रूल ग्यारह में कोर्ट डिक्री पास करेगा स्टेट के एप्लीकेशन पे रूल 12 और 13 में स्टेट के एप्लीकेशन पे जिसमें स्टेट पार्टी होगी जब एप्लीकेशन देगी पार्टी होकर के एप्लीकेशन दे देगी तो कोर्ट उसमें कोर्ट फीस के अमाउंट को निर्धारित कर देगी और वो जो निर्धारित अमाउंट होगा कोर्ट फीस को, को उसको कलेक्ट कौन करेगा कलेक्टर करेगा रिकवर कलेक्टर करेगा रूल चौदह में तो ये सारे रूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कलेक्टर जाएगा और उससे कोर्ट फीस अगर नहीं हो देगा कोर्ट फीस तो क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाएगा उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा ये जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे कि बाय अरेस्ट बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय पुट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन सिविल प्रिजन ठीक है ना बाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर बाई एनी अदर मोड ये सारे मेथड हैं कि सिविल कोर्ट की डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो सिमिलरली ये भी जो डिक्री है रिकवरी आप कोर्ट फीस के लिए इसका भी एग्जीक्यूशन वैसे ही होगा जो एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर दिया गया है आर्डर ट्वेंटी वन में तो अकॉर्डिंगली डिक्री को एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा ये था रूल चौदह कलेक्टर के थ्रू और रूल पंद्रह देखिए रूल पंद्रह क्या बोल रहा है रूल पंद्रह जो है इसमें रूल ग्यारह में यहाँ पे था निर्धन व्यक्ति का असफल होना अब रूल बारह से चौदह का जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रक्रिया देखा वही प्रक्रिया मैंने उधर आपको बता दिया और रूल पंद्रह में जब आप बनाया जाएंगे रूल पंद्रह बड़ा इंपॉर्टेंस है रूल पंद्रह बोल रहा है कि रेस जोडिकेटा ध्यान दीजिए इसका क्या मतलब पहले रेस जोडिकेटा को मैं बता दूं और इसके बाद हम लोग आते हैं कि यहां पे रेस जोडिकेटा का क्या, क्या रिलेशनशिप है तो रेस जुडिकेटा सेक्शन इलेवन है सीपीसी का सेक्शन इलेवन क्या बोल रहा है ये सेम व्यक्ति सेम सूट सेम कोर्ट ठीक है सेम कोर्ट सेम मुकदमा सेम व्यक्ति जैसे मान लीजिए पेन पेन है, इस पेन के लिए ए और बी कोर्ट नंबर सी में मुकदमा दाखिल करते हैं यह पेन डिसाइड हो जाती है कोर्ट नंबर सी के द्वारा ए के फेवर में अब यही ए और बी इसी पेन के लिए उसी कोर्ट में फिर दूसरा मुकदमा कभी भी नहीं लेके जाएंगे और जैसे ही दूसरा मुकदमा लेके जाएंगे बार्ड बाई रेस्ट ड्यूडिकेटा होगा क्योंकि प्रीवियसली इसमें इंस्टीट्यूटेड सूट था फार्मर सूट इसमें था फार्मर सूट बिटवीन द द सेम सेम पार्टी फॉर मैटर और जो कि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है तो उसी एक 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 मामले के लिए एक ही मुकदमा होगा और एक ही निर्णय होगा इसको बोलते हैं रेस तो ए, ऐसा नहीं है कि एक मामले के लिए दस मुकदमा और दस निर्णय होगा तब तो कोर्ट के निर्णयों में अनिश्चितता हो जाएगी इसलिए धारा ग्यारह ये बोलती है एक मुकदमा एक सब्जेक्ट मैटर वही पार्टी एक निर्णय बस और बार बार उसमें नहीं आना है बार बार आएंगे तो रेस्ट जुडिकेटा से बाधित हो जाएगा तो यही रेस् जुडिकेटा की बात है सेक्शन इलेवन में सेक्शन इलेवन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें दो तरीके का रेस्ट जुडिकेटा है एक तो रेस्ट जुडिकेटा इन जनरल है और दूसरा है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकेटा जिसको आनविक प्रांग न्याय बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकेटा माने उन सारे मैटर पर भी रेस्ट जुडिकेटा लगता है व्हिच ऑट टू हैव बिन रेज फॉर्मर शोट लेकिन रेज नहीं किए गए एक्सप्लेनेशन चार है धारा ग्यारह का धारा ग्यारह का एक्सप्लेनेशन चार ये बोलता है कंस्ट्रक्टिव रेस्ट्यूडिकेटा तो एक है एक्चुअल रेस्ट्यूडिकेटा एक्सप्लेनेशन थ्री मैटर एक्चुअली इन इशू टा तो रेस्ट जुडिकेटांग यहाँ पे आई है आप रूल पंद्रह क्या बोल रहा है रूल पंद्रह बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए निर्धन व्यक्ति निर्धन व्यक्ति मुकदमा दाखिल करने के लिए न्यायालय में गया जब निर्धन व्यक्ति मुकदमा दाखिल करने के लिए न्यायालय में गया और इसको निर्धनता को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया कोर्ट कहती है नो यू आर नॉट एन इंडिजेंट पर्सन आप तो इंडिजेंट नहीं है आप तो सक्षम आदमी है तो आपको तो निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा नहीं दाखिल करने दिया जाएगा अगर ये बात होती है तो कोर्ट क्या करेगी यह चला जाएगा आपने घर अब यह फिर से उसी कोर्ट में अपने आप को निर्धन डिक्लेयर करने के लिए अगर आएगा तो धारा ग्यारह सीपीसी की इसके ऊपर लागू हो जाएगी क्योंकि नाउ हिस्सूट क्योंकि उसी कोर्ट में आप आए थे अप्लीकेशन के थ्रू आए थे और क्या आपने बोला था कि हमको आप निर्धन डिक्लेयर कर दीजिए क्योंकि मैं निर्धन आदमी हूं और मैं मुकदमा दाखिल करूं जब उसी न्यायालय में आपको आना था और आप ऑलरेडी आ चुके हैं और कोर्ट ने आपको मान लिया है कि आप निर्धन नहीं है तो उसी कोर्ट में आप फिर से अगर आएंगे तो धारा 11 सीपीसी की लगेगी और कोर्ट कहेगी नहीं आपको तो ऑलरेडी आपका स्टेटस हमने डिक्लेयर कर दिया है कि आप निर्धन व्यक्ति नहीं है तो आपका ये अप्लीकेशन जो है बार्ड बाई रेस्क्यू टिकेटा है ये रूल पंद्रह बोलता है लेकिन मान लीजिए इसमें एक ट्रिक पॉइंट ये है कि जब वो निर्धन व्यक्ति के रूप में एक बार आया और उसका एप्लीकेशन डिसाइड हो गया रिजेक्ट भी हो गया कि नो यू आर नॉट एन इंडिजेंट पर्सन तो उसी कोर्ट में फिर वो रेगुलर मुकदमा लेके आता है कहता तो है ठीक है निर्धन व्यक्ति के रूप में हमारा मुकदमा आप न स्वीकार करें लेकिन रेगुलर व्यक्ति के रूप में आम आदमी के रूप में हमारा मुकदमा आप स्वीकार करें तो कोर्ट उसको स्वीकार कर लेगी तो वहां पे प्रांग न्याय नहीं लगेगा वहां रेस रेस्ट्यूडिकेटा नहीं लगेगा तो जब वो सेम क्योंकि धारा ग्यारह में आप देखेंगे सेम मैटर सेम पार्टी सेम कोर्ट मैटर शुड बी सेम बिटवीन द सेम पार्टी एंड देन सेम कोर्ट कैन नॉट टेक अप द मैटर लेकिन अगर मैटर सेम नहीं है मैटर बदल गया जो पाला वाला मैटर था वो किस चीज को लेकर के था कि हमको आप निर्धन डिक्लेयर करें और दूसरा वाला जो मैटर है वो किस चीज को लेकर के है वो किसी मामले को डिसाइड करने के लिए है न कि वह निर्धनता डिक्लेयर करने के लिए है तो फिर यह सेम मैटर नहीं है जब सेम मैटर नहीं है तो धारा ग्यारह का रेस जो इस पर नहीं लगेगा तो ये रूल पंद्रह में दो बातें हैं कि निर्धन व्यक्ति के एप्लीकेशन पे कब रेस जुटिकेटा लगेगा और कब रेस ड्यूटिकेटा नहीं लगेगा तो रूल पंद्रह बोलता है जब वो निर्धनता का एप्लीकेशन अस्वीकार हो गया और फिर निर्धनता का एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लेके आता है तब रेस ड्यूटिकेटा लगेगा लेकिन निर्धनता का एप्लीकेशन अस्वीकार हो गया इसके बाद जब वो कोर्ट में आता है तो वो निर्धनता का एप्लीकेशन लेके नहीं आता है अदर और अदर वो कोर्ट सूट इन नॉर्मल सिचुएशन में लेके आता है नॉर्मल प्रोसीडिंग की सूट लेकर के आता है तो वहां पर उसका सूट चल पड़ेगा वहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये था रूल पंद्रह जिसमें कवरेज ड्यूडिकेटा लगेगा कवरेज ड्यूडिकेटा नहीं लगेगा तो ये पूरी बात हम लोगों ने देख लिया रूल पंद्रह तक निर्धन व्यक्ति के द्वारा बात तो इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताऊं हम लोगों ने देखा रूल एक रूल एक में हम लोगों ने देखा कि निर्धन व्यक्ति मुकदमा दाखिल कर सकता है यह तो हम लोगों ने देख लिया लेकिन क्वेश्चन है कि निर्धन है कौन तो इसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन है हमारे पास कंडीशन है और तीन एक्सप्लेनेशन है और तीनों एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि इस आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो बंदा निर्धन है कि नहीं है और क्या क्या आधार है आधार यह है कि वो कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम नहीं है लेकिन इसकी यह सक्षमता कैलकुलेट करने में धारा साठ को ध्यान में रखना है सीपीसी की धारा साठ धारा साठ में मैंने आपको बताया कि वो प्रॉपर्टी जो एग्जीक्यूशन आप डिक्री में अटैच होगी और वो प्रॉपर्टी जो एग्जीक्यूशन आप डिक्री में अटैच नहीं होगी तो जो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन डिक्री में अटैच नहीं होगी उन प्रॉपर्टी को यहां भी छोड़ देना है चाहे वो कितनी भी कीमती प्रॉपर्टी है तो उनको नहीं ध्यान में रखना है और तब इसकी निर्धनता को डिसाइड करना है एक्सप्लेनेशन वन एक्सप्लेनेशन टू बोल रहा है कि वह सूट फाइल करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है अभी डिक्री पास नहीं हुई है तो फिर इसकी निर्धनता की गणना और कैलकुलेशन फिर से किया जाएगा क्योंकि नाउ ही एज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी एंड नाउ ही इज नो मोर एन इंडीजेंट पर्सन तो अब ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया था क्यों ना इसकी निर्धनता को हम फिर से देखें तो ये दूसरी बात है और तीसरा एप्लीकेशन कता है अगर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आता है तो इसकी कैल्कुलेशन की सक्षमता जो है वह रिप्रेजेंटेटिव के नहीं बल्कि निर्धन व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करी जाएगी तो ये था रूल वन निर्धन व्यक्ति सूट फाइल तो कर सकता है लेकिन कौन निर्धन है इसके लिए फार्मूला बताया गया है सी में और एक और चीज़ उसमें लिखा गया है कि उस बंदे के पास एक हज़ार या उससे कम की संपत्ति है जो एक्सप्लेनेशन वन है ना उसमें दो बात आप देखेंगे पहली बात तो यह है कि वह कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम नहीं है और दूसरी बात यह करा है कि अगर उसके पास प्रॉपर्टी एक या उससे कम की है तब तो वह निर्धन व्यक्ति है तो आज की दशा में आप देखेंगे तो कौन ऐसा बंदा है जिसके पास एक हज़ार या उससे कम की प्रॉपर्टी है तो एक तरीके से इस आर्डर का बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं रह जाता है क्योंकि एक हज़ार तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा तो लेकिन है जो लिखा हुआ है तो एक्सप्लेनेशन वन में ये बात लिखा हुआ है वह कोर्ट फिर जमा करने में सक्षम नहीं है या उसके पास एक हज़ार या उससे कम की संपत्ति है तो वह बंदा निर्धन व्यक्ति है तो ये था रूल वन अब रूल वन ए में आप जाएंगे तो इंक्वायरी होगी इसकी इंक्वायरी कैसी होगी चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी होगी क्योंकि भारत ऐसा अद्भुत देश है कि सभी लोग अपने आप को डिक्लेयर कराना चाहेंगे कि हम निर्धन हैं ताकि उनको कोर्ट फीस ना जमा करना पड़े तो इसलिए बड़ा प्रिकॉशन इसमें सीपीसी लेती है कि भाई जो भी अपने आप को निर्धन डिक्लेयर करना चाह रहा है तो अपलीकेशन में कंटेंट तो अपना देगा ही डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी देगा हमारे पास फला प्रॉपर्टी फला प्रॉपर्टी ताकि आप उसके निर्धनता को डिटरमाइन करें लेकिन आप डिटरमाइन कैसे करेंगे तो इसके लिए चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर की व्यवस्था है कि चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर से आप इसकी इंक्वायरी करा देंगे और इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट

उसी तरीके से है कि जब आप अपलीकेशन लेकर के आएंगे तो आपका अप्लीकेशन हमेशा स्वीकार ही हो जाएगा ऐसी बात नहीं है बहुत ऐसे ग्राउंड है जिसमें आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो रूल पांच में लिखा हुआ है ग्राउंड योर इज टू बी रिजेक्टेड तो आर मेनी ग्राउंड्स काज ऑफ एक्शन ही नहीं है बार्ड बाई लॉ है ठीक है ना इस तरीके की जो प्रमिनेंट ग्राउंड मैं आपको बता रहा बताऊँ तो इस तरीके की कोई बात है तो आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाएगा आपको घर भेज दिया जाएगा नहीं आप निर्धन व्यक्ति नहीं है इसी तरीके से आगे बता रहा है कि विड्रॉ भी हो सकता है मान लीजिए आपको परमिट कर दिया गया इंडिजेंट पर्सन के रूप में लेकिन बाद में कोर्ट को लग रहा है अरे हम तो गलत में रूप में इसको हमने परमिट कर दिया इसके तो अपलीकेशन को वापस ले लेना चाहिए तो कोर्ट आपके अप्लीकेशन को वापस ले सकती है जब कोर्ट को पता चलता है तो वैक्सीसियस सूट है आप मिसकंडक्ट के दोषी तो हैं या आप मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को या आप इंडिजेंट पर्सन के रूप में आप कंटिन्यू करने लायक नहीं है तो कोर्ट आपके एप्लीकेशन को वापस भी ले सकती है तो कोई नहीं है कि परमिशन मिल गया तो हमेशा के लिए परमिशन मिल गया आपका परमिशन विड्रा भी हो सकता है ये भी उसमें लिखा हुआ है और रूल दस और ग्यारह बता रहा है कि जब वो सफल हो जाएगा तब और जब असफल हो जाएगा तब तो जब सफल हो जाएगा तो पूरा एक्सपेंसेस उसको जमा करना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होगी इस पर पूरा एक्सपेंसेस फर्स्ट चार्ज हो जाएगा रूल टेन रूल इलेवन बोल रहा है कि जब वो असफल हो जाता है फेल हो जाता है फेल क्यों हो जाता है फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि दो आधार है पॉइंट नंबर फर्स्ट जब उसको बुलाया गया तो न्यायालय में नहीं गया और पॉइंट नंबर टू वह समन का खर्चा और पोस्टल चार्जेज नहीं जमा किया इस आधार पर वो फेल हो जाता है तो जब फेल हो जाएगा तो फिर भी उसको जमा करना पड़ेगा पैसा जितना खर्चा हुआ है स्टेट का लेकिन ये जमा करने के लिए रूल बारह और तेरह हमारे पास है जिसमें स्टेट को अप्लाई करना पड़ेगा और स्टेट को इसमें पार्टी बनना पड़ेगा कोर्ट फीस का अमाउंट स्टेट खुद अप्लाई करेगी स्टेट पार्टी बनेगी तो कोर्ट डिसाइड करेगी और जब कोर्ट डिसाइड कर लेगी तो उसको कलेक्टर के थ्रू इसकी रिकवरी होगी इसको कलेक्टर के थ्रू रिवेन्यू ऑफिसर के थ्रू इसकी रिकवरी करा लिया जाएगा तो ये कोर्ट इसकी रिकवरी करवा सकती है और रिकवरी करवाने के बाद कोर्ट इसको न्यायालय में जमा करवा देगी तो ऐसे कोर्ट फीस की रिकवरी होती है इनकी और लास्टली ये आर्डर बोल रहा है कि रेस ज्यूडिकेटा का इससे क्या रिलेशनशिप है तो इसमें दो बातें हैं कि अगर यह निर्धन व्यक्ति के रूप में एक बार गया है और इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो फिर यह निर्धन व्यक्ति के रूप में उस कोर्ट में नहीं जाएगा ये बात तो है क्योंकि सेक्शन 11 लागू हो जाएगा लेकिन मान लीजिए ये निर्धन व्यक्ति के रूप में गया और इसका मामला रिजेक्ट हो गया तो यह नॉर्मल सूट लेके आ सकता है कहेगा जैसे आप कोई बात नहीं है, हमको आप निर्धन डिक्लेयर न करें लेकिन हमारे सूट को इंटरटेन करें एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी माइनर तो ऑर्डिनरी जैसे हम मुकदमा लेके आते हैं हम प्लैन दाखिल करते हैं हम जितना भी अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस है हम वो जमा करते हैं और इसके बाद हम कहते हैं कि अब हमको कंटिन्यू कर दिया जाए तो हमको आप कंटिन्यू कर लीजिए तो ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में आएगा लेकिन ये निर्धन व्यक्ति के रूप में नहीं आ जाएगा नहीं तो एसडीडी केटा लग जाएगा तो ये सारी बातें हम लोगों ने निर्धन व्यक्ति के मुकदमे में देखा अब इसको आप देखेंगे आर्डर थर्टी थ्री को तो आर्डर थर्टी थ्री भी बड़ा ही स्पेशल तरीके का मुकदमा है सीपीसी के तहत जो नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता क्योंकि नॉर्मली जब आप सीपीसी के प्रोसीजर को इन्वोक करना है तो आपको देखेंगे कि आप प्लेंट से स्टार्ट करते हैं सेक्शन नाइन इसका ओपनिंग गेट है जिसमें कि पहले डिस्प्यूट होना चाहिए डिस्प्यूट के बाद जो एग्रीव्ड बंदा है वो प्लेंट लेकर के आएगा आर्डर सेवन में और जब वो प्लेंट लेके आएगा तो अपोजिट पार्टी को समन होगा समन के आधार पर जब वो रिटर्न स्टेटमेंट अपोजिट पार्टी सबमिट करेगा तो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट प्लीडिंग के आधार पर इशू फार्मुलेट होंगे उन इशू पर ट्रायल होगा और ट्रायल होने के बाद हर ट्रायल पे एविडेंस होगा और लास्ट में डिक्री और जजमेंट हो जाएगा ये नार्मल कोर्ट है का। लेकिन 33 में आप ये क्या कर रही है मैंने इसको प्लेंट नहीं लेके आना।, ले आना है इसको एक अपलीकेशन लेके आना है कोर्ट ऑफला में अप्लीकेशन फॉर वॉट अपलिकेशन टू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एन इंडीजेंट पर्सन तो ये पहले आपको डिक्लेयर कराएगा पर्सन है तो ऐसे अप्लीकेशन लेके आएगा जब एप्लीकेशन लेके आएगा तो इसके एप्लीकेशन की इंक्वायरी वगैरह करी जाएगी इसी का एप्लीकेशन बाद में प्लांट कन्वर्ट हो जाएगा कब जब इसको परमिशन मिल जाएगी कि नाउ यू आर इंडिजेंट पर्सन तो सेम टू बी ट्रीटेड एज इन सिविल मैटर क्योंकि आप देखें होंगे मैं आपको बताया था कि जब ये अप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेगा तो किस प्रोसीजर का फॉलो करेगा यस आर्डर सेवन के प्रोसीजर को फॉलो करेगा जैसे सिविल कोर्ट में प्लांट दाखिल किया जाता है उसी तरीके से ये इस अप्लीकेशन को दाखिल करेगा उसी तरीके से इसको ड्राफ्ट करेगा ऊपर कोर्ट का नाम होगा फिर पार्टीज का नाम होगा फिर लॉ और फैक्ट की बातें होंगे क्लेम होंगे और लास्ट में वेरिफिकेशन और सिग्नेचर होगा तो ये सिंपल एप्लीकेशन नहीं है जैसे एप्लीकेशन किसी को चिट्ठी आप लिखते हैं नहीं ये न्यायालय को लिखा गया एप्लीकेशन है इसलिए एप्लीकेशन न्यायालय की भाषा में और कानून की भाषा में लिखा जाएगा तो ये बात है तो इसमें आप ध्यान रखें कि यह असाधारण प्रक्रिया है स्पेशल प्रक्रिया है जिसमें आपको प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट और समन और इशूज इस तरीके से ना चल के अप्लीकेशन फिर अप्लीकेशन इज कन्वर्टेड इन टू प्लैंड फिर अपोजिट पार्टी को बुलाना फिर इशू फार्मुलेट करना और फिर डिसाइड करना थोड़ा ट्वेस्टेड प्रोसीजर है स्पेशल प्रोसीजर है ये एक चीज ध्यान रखना है दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि चूंकि सी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और बड़ी ही वाइड सिविल प्रोसीजर है जिसमें किसी के भी सिविल अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है तो आर्टर थर्टी इतना पिक्यूलियर है जो संवैधानिक मूल्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं अगर आप संविधान की बात करेंगे फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वीकर सेक्शन के लिए कितने लॉन्ग लिस्ट ऑफ़ फंडामेंटल राइट हमारे पास है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखेंगे कितने गोल्डन गोल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है कि इन फ्यूचर स्टेट सेल्ड इन टू तो डू ऑल दीज थिंग्स तो इस सारे को या प्रियम्बल में आप जाएंगे जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है अगर प्रियम्बल में आप जाएंगे इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो इसको फुलफिल करने के ये सारे मेथड हैं आर्टा थर्टी थ्री इज वन ऑफ द मेथड थ्रो विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में भी फुलफिल्ड क्योंकि वीकर सेक्शन के प्रोटेक्शन की बात है कैसे आप वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इस प्रोसीजर से आना पड़ेगा ताकि उसके एप्लीकेशन ले लीजिए उससे कोर्ट फीस भी मत लीजिए उसके एप्लीकेशन कोई प्लांट मान लीजिए और कोर्ट फीस उससे तभी रिकवर करिए जब वो जीत जाए उसके पास पैसा हो जाए या जब वो हार जाता है अगर डिफॉल्ट के कारण तभी उससे कोर्ट फीस लीजिए अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो फिर उससे कोर्ट फीस मत लीजिए तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको भी फुलफिल करने में आर्टर थर्टी थ्री एक तरीके से टूल का काम करता है तो ये संवैधानिक दायित्वों को संवैधानिक ऑब्लिगेशंस को इसके जुरुसफेंशियल प्रिंसिपल्स भी बहुत हैं अगर जुलूसपूडेंस में भी आप निगाह डालेंगे तो जुलूसपूडेंस भी कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना क्योंकि वीकर सेक्शन प्लेंटी में, तो में है तो प्लेंटी में ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है तो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड है अगर आप सोशल इंजीनियरिंग देखेंगे रास्को पाउंड का तो कहता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी तो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट में वो वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को ज़्यादा मानता है तो वीकर सेक्शन ज़्यादा है चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट एक तरफ है और एक तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप इंटरेस्ट एक तरफ एक तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों में क्लैश होगा तो इंडिविजुअल नहीं रादर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व पड़ेगा तो उसी तरीके से यहां पे भी है तो ऐसे इसको सर्व कराएंगे तो आप इसमें देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लीगेशन है इसमें देखेंगे जरूर प्रोडेंशियल ऑब्लिगेशन है सबको फुलफिल किया गया है और सी में आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक वंचित व्यक्ति जिसके पास एक पैसा भी नहीं है जहाँ हम कहते हैं कि न्याय बड़ा खर्चीला है बिना पैसे के न्याय नहीं मिलेगी ये जो मिथक हम अपने दिमाग में पाले हुए हैं इस सबको जब आप पढ़ेंगे तो आर्डर थर्टी थ्री में आपको समझ में आएगा कि ऐसी बात नहीं है एक निर्धन व्यक्ति जिसको कोर्ट फीस जमा करने के लिए भी पैसा नहीं है उसके लिए भी इतना बढ़िया प्रोसीजर है कि वो अपने सिविल राइट को इम्प्लीमेंट करा सकता है तो इस तरीके से आर्डर थर्टी इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने साथ चलता है। तो मैं समझ पा रहा हूं कि मैं इस के सारे रूल्स को आपको समझा पाया हूँ सारी बातें समझ में आई होंगी जिसमें हम लोगों ने आर्डर थर्टी थ्री के सारे रूल्स को देखा और जिसमें हम लोगों ने सूट निर्धन व्यक्ति के द्वारा सूट कैसे दाखिल होगा इसकी सारी प्रक्रियाओं को समझा तो ये आपको समझ में आया होगा तो सभी लोगों को धन्यवाद नमस्कार थैंक यू So, good morning, everybody. I am uh, Raghunandan Sengupta. So, I will just give you uh, the a very brief uh, excitement area of finance, which is quantitative finance, and that has a huge market starting around about 10 years back and it is exploding exponentially. So, what uh, do we mean by quantitative finance? Quantitative finance is actually the application of different mathematical and statistical techniques. In the area of financial markets, be it, say, for example, derivative pricing, be it in the area of, say, for example, portfolio management, be it in the area of asset liability management, be it in the area of portfolio management, we see that the application has exploded in such a way that there is a huge opportunity for people who have a quantitative background in mathematics and statistics, they can utilize those in the area of finance. But obviously, with some Prior knowledge of, of, of uh, finance as a subject. Now, when we say about quantitative finance, as I said, it is an area of applied mathematics and statistics applied in, in financial markets. Use of different areas, if somebody is interested to know, we have stochastic calculus, we have derivative pricing, we have operation research, we have quantitative techniques like differential uh, equations, stochastic calculus, time series. And they are heavily used in the area of quantitative finance, as I mentioned. Now, we all know that in, 2000, in 1997, the Nobel Prize in Economics, so it is basically the Nobel Memorial Prize in Economics, was given to the work of Merton and Scholes in the area of derivative pricing, and after that there has been exponential increase in the area of, of quantitative techniques in, in, in quantitative finance and the, in the area of, of different type of derivative pricing. with the advent, moreover, with the advent of, of high ended and sophisticated computing data, big data has come in a very big way where application areas, starting from computing, from different type of algorithm design, have been taken up in such a big way. That nowadays, at least, we are able to understand that how high frequency data algorithm trading can be utilized using the concept of quantitative finance in the area of, of finance as such. But there is a flip side also, obviously, when 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 there is a huge amount of development, so obviously, due to some regulation errors or something, there has been some some pitfalls. Which I think is should be a bullet point for people who are in, really interested to take up quantitative finance. They should be aware. So consider the financial crisis in 2008 and later on, and we are seeing different banks are failing, different financial institutions are facing a problem, countries are facing a problem like in Europe, in 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 in, in USA. So what it should be done? So the main thing is that even if you know the technique is best for people who are investors who are private players organizations like banks government should use these techniques in a very somber manner such that the application areas of quantitative finance using the techniques which we learned can be utilized in the best possible way to garner the overall the in-depth knowledge a person has in trying to utilize these quantitative techniques in finance and I am sure that people who have the background, who have the knowledge, who have the, the sophistication, who have the, the knowledge of the society can definitely use quantitative finance in a very big way in trying to make their mark in this exciting field, which you are going to see in years to come. And I am sure it will be a very exciting learning tool for all the participants who, who will take quantitative finance as a, as, a, as a subject in years to come thank you and i am and i wish all the participants all the best and best of luck for the programs they will take thank you